नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। अब बात करते हैं आज हड्डियों के बारे में। हमें अपनी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोन को बनाए रखने के लिए अपने पूरे जीवन काल में इसका ध्यान रखना होता है। हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही कुछ चीजें हैं जो आप एक व्यक्ति के रूप में हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी करनी चाहिए। कई प्रकार की डाइट और लाइफस्टाइल ऑप्शंस आपकी उम्र के अनुसार मजबूत हड्डियों की ग्रोथ और उसके रखरखाव में सहायता कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो वास्तव में कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं और अंततः हड्डियों के नुकसान को बढ़ावा देते हैं। अपने 30 के दशक के दौरान आपको हड्डियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। हड्डियों के लिए 7 सबसे हानिकारक चीजें होती हैं, शीतल पेय, शुगर और कैफीन से भरपूर। इसमें संरक्षक के रूप में फास्फोरस एसिड भी होता है जो हड्डियों के नुकसान का कारण बनता है। पशु प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से भी मूत्र में कैल्शियम की कमी हो जाती है। चाय, कोको चॉकलेट और कॉफी में मौजूद कैफीन कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। धूम्रपान और चबाने वाला तंबाकू शरीर के कैल्शियम भंडारण को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि निकोटिन कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करता है। 5वें नंबर पर आता है, अधिक नमक और चीनी का सेवन कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। एक छोटा फ्रेम और कम मांसपेशियों वाला व्यक्ति भी कम कैल्शियम जमा कर सकता है। एक गतिहीन जीवन शैली आपके शरीर को उसके कैल्शियम भंडारण से वंचित कर देती है। जब आप कोई भी शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, दौड़ना या जॉगिंग शुरू करते हैं तो ये आपको हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करता है। मजबूत और हेल्दी हड्डियों को बनाए रखने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर फूड्स खा सकते हैं, बार बार व्यायाम कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।